हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग जनरल साइंस की बायोलॉजी सीरीज में चैप्टर नंबर फाइव है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम लोग आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी तक चैप्टर नंबर 1 पोषण, चैप्टर नंबर 2 मानव में पाचन, चैप्टर नंबर 3 श्वसन और चैप्टर नंबर 4 रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। और अब है चैप्टर नंबर 5। मैंने आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम्स भी बना रखे हैं पहले से, ताकि समझाने में समय कम लगे। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है उत्सर्जी तंत्र, ये इम्पोर्टेंट, हमारे जो शरीर है उसमें एक इम्पोर्टेंट अंग तंत्र है। तो देखिए, उत्सर्जी तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को उत्सर्जन और उत्सर्जी पदार्थ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे आप लोग जो टर्म सुन रहे हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, उत्सर्जन का मतलब है किसी चीज को शरीर से बाहर निकाल देना, किसी मतलब वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकाल देना, ये है उत्सर्जन। और एक और टर्म आता है श्रावण, जिसको सीक्रेशन बोलते हैं। देखो, एक तो है एक्सक्रीशन, एक होता है सीक्रेशन। तो एक्सक्रीशन का मतलब है एक्सपेल आउट फ्रॉम दी बॉडी, बॉडी से बाहर निकाल देना। और जो टर्म है सीक्रेशन, इसका मतलब है शरीर में ही किसी चीज का रिलीज होना, शरीर में ही किसी चीज का निकलना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग जब पाचन पढ़ रहे थे तो बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे पेनक्रियास से एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन, ऐसे ही स्टमक में एंजाइम्स निकलते हैं पेप्सिन, रेनिन। तो उनको बोलते हैं एंजाइम का श्रावण, सीक्रेशन ऑफ एंजाइम। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट आउट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर उत्सर्जन और सीक्रेशन, श्रावण, श्रवण को देखो हिंदी में ऐसे लिखते हैं श्रावण, यह है सीक्रेशन, और उत्सर्जन आप लोग जानते ही हैं एक्सक्रीशन। तो ये है शरीर के अंदर ही किसी चीज का रिलीज होना, और एक्सक्रीशन का मतलब है वेस्ट मटेरियल का शरीर से बाहर निकल जाना। अब हम लोग बात करते हैं उत्सर्जी पदार्थ की, वेस्ट मटेरियल की। वेस्ट मटेरियल क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका, और कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं, बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन उनमें चलती रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोशिकाओं में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगी तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे। उन वेस्ट प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम शरीर से बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो हमारे ब्लड में वेस्ट मटेरियल का अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा, और हमारी बॉडी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए ही हमारी बॉडी में वेस्ट या एक्सक्रीटरी सिस्टम एक बनाया गया है, एक डेवलप है, उत्सर्जी तंत्र। विशेष रूप से उत्सर्जी तंत्र उत्सर्जन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने में, स्वच्छ रखने में, साफ रखने में बाकी के कुछ अंग भी हैं जो काम करते हैं। हम लोग धीरे धीरे उन पर आएंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो ये काम करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो उत्सर्जी पदार्थ हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, हमारा मेन फोकस रहेगा कि मानव में उत्सर्जन को पढ़ना है, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक अगर हमको पौधों में मिलते हैं या कुछ और छोटे सूक्ष्म जीवों में मिलते हैं तो उसको भी मैं यहाँ पे नोट करवा दूंगा। हालांकि हमारे यहाँ पर जो ऑर्गन सिस्टम है वो ह्यूमन के ज़्यादातर बनते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उनके कम बनते हैं। तो देखिए, उत्सर्जी पदार्थ को हम लोग मानव के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट और नाइट्रोजीनस वेस्ट, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। तो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ में क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा? रुधिर के द्वारा, और रुधिर के द्वारा ही ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां पर वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, श्वसन में पढ़ा था हम लोगों ने।
तो जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसको फिर हम लोग फेफड़ों के द्वारा सांस छोड़ते हैं और वो CO2 हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनी वेस्ट है ये कहाँ से आया? हमने अपनी डाइट में प्रोटीन लिया है और वो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? वो अमीनो एसिड से मिलकर बना है। तो अमीनो एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो वेस्ट मटेरियल क्या बनाएंगे? अमोनिया वेस्ट मटेरियल बनाएंगे। तो इसी प्रकार, इसीलिए हम लोगों ने दो अलग कैटेगरी बना दी है, ऑर्गेनिक वेस्ट और नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को हमको जो अमोनिया बना है, एक्चुअली में अमोनिया बहुत ही जहरीला है, पॉइजनस है। इस पॉइजनस सब्सटेंस को, जहरीले पदार्थ को, कम जहरीले पदार्थ में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोग अमोनिया को, अमोनिया बहुत जहरीला पदार्थ है, इसको अगर हम लोग कम जहरीले पदार्थ में नहीं बदलेंगे तो हमारे शरीर में ये जहर फैला देगा। तो अमोनिया को कम जहरीले पदार्थ में बदलने का काम करता है हमारा यकृत, वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब ये यूरिया फिर हमारे ब्लड से छन कर किडनियों के द्वारा शरीर से बाहर मूत्र के रूप में, यूरिन के फॉर्म में हो जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को उत्सर्जी पदार्थ के बारे में बताया कि दो मुख्य रूप से उत्सर्जी पदार्थ हैं, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है यूरिया या अमोनिया है, जिसको किसमें बदल दिया जाता है? यूरिया में। तो इन उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर अलग अलग जीवों में अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ हैं। कोई अमोनिया करता है उत्सर्जन, कोई यूरिया करता है, कोई अमोनिया करता है, कोई यूरिक एसिड करता है। तो इस बेसिस पर जीवधारियों को, जीवधारी मतलब विशेषकर जीवों को, हमने तीन भागों में बांट लिया है उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर। तो वो देखिए कौन से हैं तीन। तो उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर पहला बनता है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक नाम से पता चल रहा है, ऐसे जीव जिनमें वेस्ट मटेरियल क्या है, जिनमें वेस्ट मटेरियल अमोनिया है, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक है, अब अमोनिया कौन सीक्रेट करेगा? भाई अमोनिया तो बहुत पॉइजनस है। जो वेस्ट मटेरियल जितना ज्यादा पॉइजनस होगा, उसको एक्सक्रीट करने के लिए उतने ही ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो जलीय जीव हैं, जलीय जीव, वो अमोनिया सीक्रेट करते हैं। अब कौन हो गए? जैसे मछली। मछली क्या सीक्रेट करती है? अमोनिया सीक्रेट करती है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री का अगर नॉलेज है, तो अमोनिया की जब स्मेल की बात होती है, गंध की बात होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि अमोनिया में मछली जैसी गंध आती है। तो मछली में अमोनिया की गंध क्यों आ रही है? क्योंकि जो मछली है उसमें उत्सर्जन किसका हो रहा है? अमोनिया का हो रहा है। और अमोनिया को उत्सर्जित होने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता है। तो मछली तो पानी में ही रहती है, इसीलिए उसको पानी की कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई जीव यूरिया सीक्रेट करता है, यूरिया, तो यूरियोटेलिक। क्या बोलेंगे इसको? यूरियोटेलिक नाउन है, संज्ञा है, इंग्लिश में भी यही नाम होगा, हिंदी में भी यही नाम होगा। जैसे यूरियोटेलिक को ये ऐसे लिख देंगे हम, यूरियो टेलिक। तो इंग्लिश और हिंदी का कोई विशेष अंतर यहां पर नहीं है। तो यूरियोटेलिक मतलब कौन? जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं? स्तनधारी, स्तनधारी, और स्तनधारी में विशेष रूप से मनुष्य, और एक और मेंढक। मेंढक हालांकि पानी में भी रहता है, लेकिन वो यूरिया सीक्रेट करता है। ठीक, अब आता है तीसरा, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, यूरिकोटेलिक। ठीक है जी, ये यूरिकोटेलिक को सीक्रेट करते हैं, मतलब यूरिकोटेलिक निकलता है किन जीवधारियों में? जो सरीसृप हैं। सरीसृप का मतलब आप लोग जानते हैं, जो रेंग के चलते हैं, जैसे सांप, हाँ, छिपकली और पक्षी। मैं बताऊंगा इनको कि यूरिकोटेलिक में और क्या विशेषताएं हैं। अमोनिया सबसे ज्यादा जहरीला है, उसके बाद यूरिया है, और सबसे कम जहरीला है यूरिकोटेलिक। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अमोनिया को उत्सर्जन होने के लिए सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है,
यूरिया को उससे कम और सबसे कम पानी की आवश्यकता किसको है? जो जानवर, जो जीव यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। तो देखिए, पक्षियों को पानी की कम आवश्यकता है यूरिक एसिड को निकालने के लिए। अगर मान के चलिए, अगर पक्षी को यूरिया को निकालना होता तो यूरिया को निकालने के लिए उनको पानी पीना पड़ेगा। पानी पीते तो उनका शरीर भारी हो जाएगा, उनको उड़ने में प्रॉब्लम होती। तो ये सारा सिस्टम बड़े भगवान ने बड़े ही तरीके से बनाया है कि पक्षियों में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होगा, क्योंकि उसको निकालने के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता पड़ती है। मछलियों में अमोनिया निकलता है, तो उसके अमोनिया को निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो मछली को कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पानी में ही रहती है। उससे कम पानी की आवश्यकता है यूरिया को, और सबसे कम पानी की आवश्यकता है यूरिक एसिड को। तो हमने उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों को तीन भागों में बांट लिया है, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और थर्ड पर है यूरिकोटेलिक। ठीक है, अमोनिया को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता है, यूरिया को उससे कम, और यूरिक एसिड को सबसे कम। ठीक है, अब देखिए, अब जो कार्बनिक वेस्ट मटेरियल बनाता CO2, वो तो सांस के द्वारा शरीर से बाहर निकल गया है। ये जो अब हम लोग मानव में बात करेंगे, तो मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिया है। इस यूरिया को शरीर से बाहर निकाला जाएगा। समझिए बात को, कोशिका हमारे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इसमें वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं इसमें लगातार चल रही हैं। इन वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए पर्टिकुलर ब्लड, क्योंकि ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है, यही कच्चा माल लेकर आएगा, यही ऑक्सीजन लेकर आएगा, और जो वेस्ट मटेरियल बनेगा उसको लेकर भी जाएगा। लेकिन जब ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट मिल चुका है, तो अब इस ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए, छानने के लिए हमें एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम की, एक स्पेसिफिक सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी। उसी को बोलते हैं उत्सर्जी तंत्र। अब मानव में जो उत्सर्जी तंत्र है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मानव उत्सर्जी तंत्र। अब मानव उत्सर्जी तंत्र में क्या क्या सम्मिलित है वो हम लोग अब देखते हैं। देखिए, मानव में 1 pair of kidney, मतलब 2 kidney पाई जाती हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर 2 kidney है, सेम के बीज के आकार की। जैसे सेम का बीज होता है, तो सेम के बीज की जो आकृति है, जो आकार है, लगभग वही हमारी किडनी का होता है। देखिए, बाहर से देखने पर ये कुछ उत्तल लेंस की तरह दिखाई देती है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह दिखाई देती है, और अंदर से अगर हम लोग देखें तो ये कुछ अवतल लेंस की तरह दिखाई देती है, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह हमको दिखाई देती है। आप लोगों को शेप वगैरह नहीं पढ़नी, जैसा सेम का बीज होता है उसी आकृति का हमारा किडनी है, 2 kidney है। किडनी में ये मूत्र सिराए हैं, ये मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है। ठीक, अब समझिए इसको कि हमारी किडनी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, हमारी किडनी एक फिल्ट्रेशन यूनिट है। फिल्ट्रेशन यूनिट का क्या काम है, मैं छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। आप लोग इसको, जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको किडनी से रिलेट बड़े अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये जो YouTube वीडियो बनाने का है, उसका मेन उद्देश्य है कि साइंस समझ में आनी चाहिए, साइंस को रटना बिल्कुल नहीं है। अगर साइंस आप लोगों ने रटना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब कि आप लोगों की समझ में नहीं आई है साइंस, इसीलिए आप लोग रटना शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए, जैसे आप लोग चाय बनाते हैं, फिर चाय बनने के बाद हम लोग कप में उसको करने से पहले बीच में क्या लगा देते हैं, छलनी लगा देते हैं, फिल्ट्रेशन यूनिट लगा देते हैं। हमने चाय को छाना, तो उसमें से लिक्विड वाला जो पोर्शन है, जो द्रव है, वो तो कप में चला गया, लेकिन जो ऐसा भाग जो हमको चाय में नहीं चाहिए था, जो हमको चाय में नहीं चाहिए था, वो हमको छलनी के ऊपर मिल गया है। तो हमारे लिए चाय तो हमारे लिए प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और जो हमने उसमें चाय पत्ती वगैरह डाली थी, उसमें से जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया चाय में, बाकी का क्या हो गया हमारे लिए, वो वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट को क्या करेंगे, हम लोग फेंक देंगे, और उसको वेस्ट को साफ करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अब यही काम हमारा कौन करती है, किडनी। अब समझिए, हमारी कोशिकाओं ने अपना वेस्ट मटेरियल ब्लड के अंदर डाल दिया। अब ब्लड कैसा हो गया, क्योंकि देखो, ब्लड में CO2 मिल चुकी है, ब्लड में वेस्ट मटेरियल मिल चुका है।
अब ब्लड को साफ करने की आवश्यकता है, ब्लड को साफ करने की आवश्यकता है। अब ब्लड जाएगा किडनी के पास और किडनी क्या करेगी उसको, उसको करेगी फिल्टर। अब आ जाइए डायग्राम पर, डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये है मेरे पास, ये छोटी वाली जो है मान लीजिए वृक्क धमनी, रिनल आर्टरी। अब आप लोग जानते होंगे धमनी क्या है और सिरा क्या है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग चैप्टर नंबर 4 रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र का वीडियो नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मैंने सिराएं और धमनी इनके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अभी के लिए समझ लीजिए कि धमनी वो है जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती है और सिरा वो है जो ब्लड को हार्ट के पास लेकर आती है। तो जब हार्ट से ब्लड दूर जाएगा और दूसरे ऑर्गन में घूमकर आएगा तो जो धमनी है वो किडनी के पास जाएगी। ये आ गई किडनी। देखिए हमारी जो वृक्क धमनी है वो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही है, क्योंकि किडनी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, किडनी को भी तो खाना चाहिए। तो हमारी जो वृक्क धमनी है वो यहाँ तक ऑक्सीजन वगैरह पहुँचाने के लिए वृक्क धमनी के पास आई है, और उस ब्लड में वेस्ट मटेरियल भी मिला हुआ है, उस ब्लड में अब CO2 भी मिली हुई है। तो हमें इसको इसको क्या करना है, इसको साफ करना है, इस ब्लड को छानना है। तो ये जो वृक्क धमनी है ये वृक्क धमनी अंदर जाके, इस किडनी के अंदर जाके छोटी छोटी धमनिकाओं में, छोटी छोटी धमनियों में टूट जाएगी और इस किडनी के अंदर एक फिल्टर लगा हुआ है, बहुत सामान्य भाषा में बता रहा हूँ, इस किडनी के अंदर फिल्टर लगे हुए हैं और सबसे छोटे फिल्टर का नाम है नेफ्रॉन। कई सारे नेफ्रॉन मिलकर एक बड़ा फिल्टर बनाते हैं, सबसे छोटे फिल्टर का नाम है नेफ्रॉन। इसका मतलब किडनी की सबसे छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, विच वन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, वृक्क की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो वो क्या है, नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन है, जिसका डायग्राम मैंने यहां बनाया हुआ है, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इंपोर्टेंट, ठीक है जी। अब देखिए वृक्क धमनी के द्वारा किडनी में ब्लड पहुंचाया गया, अब ब्लड को छानने का प्रोसेस, छानने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। जो ब्लड यहां पर जा रहा है, हम लोग जानते हैं ब्लड के 2 पार्ट हैं, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिकाएं और प्लाज्मा को तो जाने देना है, और जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, या वेस्ट अमीनो एसिड है, कुछ लवण भी हो सकते हैं और वाटर भी हो सकता है, तो ये सब तो रोक लिया जाएगा। ब्लड का जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं वाला पोर्शन है वो जाने दिया जाएगा। तो यहां से ब्लड की सप्लाई हो गई नेफ्रॉन्स में और छानने की प्रोसेस शुरू हो गई। अब ये जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करने के बाद मूत्र सिराओं के द्वारा मूत्राशय में और फिर शरीर से बाहर मूत्र के रूप में चला जाएगा, यूरिन के रूप में चला जाएगा। अब जो सबसे छोटी इकाई है नेफ्रॉन, उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार UPSC परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था नेफ्रॉन से संबंधित। क्या क्वेश्चन पूछा था मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। देखिए यहाँ किडनी में बहुत सारे लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे नेफ्रॉन जो है इसी नेफ्रॉन को मैंने यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल से उठाकर यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। अब समझिए जो मैं वहां पर छानने की प्रोसेस बता रहा था वो यहां पर डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए हमारी किडनी में जो वृक्क धमनी है वो वृक्क धमनी रक्त लेकर आती है, इस रक्त में अपशिष्ट पदार्थ मौजूद हैं। अब ये जो धमनी है वो छोटी छोटी धमनिकाओं में टूट जाती है, जो आर्टरी है वो छोटी छोटी स्मॉलर आर्टरीज में टूट जाती है। अब देखिए ये जो मेन धमनी है, मुख्य धमनी है, ये यहां पर जाकर छोटी धमनिकाओं में टूट रही है। एक चीज आपको याद रखनी है, ये किडनी में जो एंट्री हो रही है या नेफ्रॉन में हमने जो धमनी दिखाई है यहां पर,
इसका डायामीटर आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा मोटा है, और यही आगे जाके कैसी हो गई है, यही आगे जाके पतली हो गई है। अब क्या समझ में आया हमें इससे, कि जैसे हम लोग समरसेबिल चलाते हैं, अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं, कार को धोना होता है, तो जो समरसेबिल का मुख्य पाइप है उससे पहले चौड़ा पाइप जोड़ते हैं, और वही पाइप आगे चल के धीरे धीरे पतला हो जाता है, जिससे कि पानी का प्रेशर अधिक बन सके। तो देखिए यहाँ पर इसका डायमीटर चौड़ा है और आगे जाके इसका डायमीटर पतला है, तो यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा रखने का मकसद क्या है, कि ये जो ब्लड का फिल्टर होना है, ब्लड को जो छानना है वो प्रेशर के साथ हो, उस फिल्ट्रेशन रेट को हमें बढ़ाना है। तो देखिए जो वृक्क धमनी है, ये वृक्क धमनी का जो पोर्शन नेफ्रॉन में एंटर हो रहा है, प्रवेश ले रहा है, जो चौड़ा वाला भाग है, उसको बोलते हैं अभिवाही धमनिका या एफरेंट आर्टेरियोल। मतलब नेफ्रॉन में आर्टरी के जिस भाग से ब्लड आता है उसको बोलते हैं एफरेंट या अभिवाही, अभिवाही धमनिका। और जो ब्लड को आगे और लेकर जा रही है नेफ्रॉन के दूसरे हिस्सों में, जो पतली है, उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका या इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल चौड़ा है और आगे जाके यही सकरा हो जाता है, जिसको अपवाही धमनिका कहते हैं। आप समझिए यही अभिवाही धमनिका आगे चल के और छोटी 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 कैपिलरीज में टूट जाती है, ताकि फिल्ट्रेशन और जल्दी हो, और यहां पर एक गुच्छा सा बन जाता है जिसको केशिका गुच्छ बोलते हैं, या ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया कि केशिका गुच्छ निम्न में से किस अंग तंत्र का हिस्सा है, तो सीधी सी बात है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि नेफ्रॉन में पाया जाता है केशिका गुच्छ, और केशिका गुच्छ नेफ्रॉन किस में पाया जाता है, किडनी में, और किडनी क्या है, उत्सर्जन तंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए अभिवाही धमनिका छोटी छोटी और ब्लड कैपिलरीज में टूट जाती है, जिसको मिलाकर क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। यही आगे चल के इफ्रेंट आर्टेरियोल बनाती है। अब समझिए यहां से जो ब्लड आ रहा है उसमें प्लाज्मा, रुधिर कोशिकाएं और वेस्ट मटेरियल है, तीनों चीजें हैं। तो ये जो यहां पर ये जो नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हैं, दिस वन, नेफ्रॉन का जिस हिस्से को मैं यहां लाइन से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट। बोमेन एक साइंटिस्ट का नाम था, इंग्लिश में बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। साइंटिस्ट का नाम था बोमेन, बोमेन संपुट या बोमेन का कैप्सूल। तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, इसकी एक खासियत है कि ये प्लाज्मा को जाने देगा, रुधिर कोशिकाओं को जाने देगा, लेकिन वेस्ट मटेरियल को रख लेगा। वेस्ट मटेरियल कौन कौन सा है, वेस्ट मटेरियल यूरिया है, ग्लूकोज है, और जो एक्सेस वाटर है, जो ज्यादा मात्रा में वाटर है उसको रोक लेगा। तीन चीज रुक गई है यहां पर, यहां पर यूरिया, ग्लूकोज, वाटर, और भी जो कोई एक्स्ट्रा मिनरल है जिसको प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है, जिसको रोकने की आवश्यकता है, वो सब यहां पर रोक लिया जाएगा। ठीक, अब यहां से ब्लड आगे गया, ये ब्लड आगे गया, अब इस ब्लड में जो भी चीज और वेस्ट मटेरियल है वो सब इनमें सीक्रेट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई चीज यहां छनने से रह गई, कोई फिल्टर होने से यहां पर रह गई, तो ये तो आगे जा ही रही है, ये ब्लड आगे जा ही रहा है। देखो यूरिया और ग्लूकोज और मिनरल वो यहां पर रुक गए हैं। ठीक है, आगे चल के ब्लड गया है, मान लीजिए कोई चीज अभी और फिल्टर होने से रह गई, तो वो यहां पर और फिल्टर हो जाएगी। ये जो नेफ्रॉन है वो यहां से लेकर ये पूरा नेफ्रॉन ही है। नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, दिस वन, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, इसको बोलते हैं बोमेन संपुट, जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बोमेन संपुट। और ये वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। बहुत टिपिकल नाम है हिंदी में, इंग्लिश में देखेंगे तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मतलब जो पास में, समीपस्थ का मतलब पास हो गया, पास में जो कुंडलित नलिका है उसको बोलते हैं। ये दूर दूरस्थ कुंडलित नलिका है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डीसीटी।
और ये जो आपको पतली दिखाई दे रही है, जिसको मैं यहां पर पेंसिल से कर रहा हूं, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। हेनले एक साइंटिस्ट का नाम था, और लूप जैसा आपको दिखाई दे रहा है इसीलिए उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये था बोमन का कैप्सूल, ये है हेनले का लूप। ये भी क्वेश्चन बना है यूपीएससी परीक्षा में ही कि हेनले का लूप किससे संबंधित है। नेफ्रॉन से, नेफ्रॉन किसमें है, किडनी में। किडनी किसका हिस्सा है, उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, यहां पर और जो उत्सर्जी पदार्थ बचे थे वो सब इसमें सीक्रेट कर दिए गए, इसमें एक्सक्रीट कर दिए गए। चलिए, अच्छा कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ज्यादा निकल जाती हैं जिनको फिर रीएब्जॉर्ब करने की आवश्यकता पड़ती है, जिनको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करने की आवश्यकता पड़ती है, तो उनको दोबारा रीएब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि यहां पर केवल जो वेस्ट मटेरियल है उनको डाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा, कुछ चीजें इसमें से निकाल के ब्लड में दोबारा भी पहुंचा दी जाती हैं। जैसे मान लो कि सोडियम यहां पर ज्यादा निकल गया, सोडियम यहां पर ज्यादा निकल गया, तो उस सोडियम को यहां पर दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, यहां पर सोडियम दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा ताकि सोडियम की कमी ना हो जाए। अब एक थोड़ा सा आंकड़े सुने हो आप लोग, 1 मिनट में 1000 ml ब्लड हमारी किडनी में पहुंचता है, 1 मिनट में 1000 ml ब्लड। अब उस 1000 ml ब्लड में लगभग लगभग 600 ml प्लाज्मा है। अब 600 ml प्लाज्मा ये सीधा सीधा चला जाएगा, बाकी के ब्लड सेल है वो चली जाएंगी। अब जो 1000 ml ब्लड है उसका लगभग 10% फिल्ट्रेट होता है, 10% छन जाता है। आ रहा कितना है, 1000 ml, छन कर कितना जा रहा है, 100 ml। इसका मतलब कि प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ है, यहां से तो 1000 ml आ रहा है लेकिन छन के कितना जा रहा है, केवल 100 ml। ठीक है, 1 मिनट की बात हो रही है ये। अब चलिए आगे, तो यहां पर ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है लूप ऑफ हेनले, और ये है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये है संग्रह वाहिनी, कलेक्टिंग डक्ट। जो भी यहां पर ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ब्लड का जो वेस्ट मटेरियल था वो सब इसमें डाल दिए गए, सारा फिल्टर हो गया। अब ब्लड को इकट्ठा करने की जरूरत है, अब ब्लड को इकट्ठा करने की जरूरत। तो ये यहां से जो धमनी थी, जो छोटी छोटी धमनिकाओं में टूट गई, पूरे नेफ्रॉन को उसने ऐसे घेर रखा है, ये दोबारा से जुड़ती हैं, और जुड़कर किस में खुल जाती हैं, वृक्क सिरा में, क्योंकि ये सिरा ही है जो ब्लड को इकट्ठा करेगी और दोबारा कहाँ लेकर जाएगी, हार्ट में लेकर जाएगी। जो धमनी है वो तो किडनी में ब्लड लेकर आई है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हुआ है, प्यूरिफिकेशन होने के बाद ब्लड को दोबारा हार्ट में ले जाने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो काम कौन करेगी, रिनल वेन, वृक्क सिरा। ठीक है, तो यहां पर जो छोटा डायग्राम था वही मैंने बड़ा करके आपको दिखाया है। ये नेफ्रॉन है हमारी किडनी की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। ठीक है जी, ये सिरा इस ब्लड को लेकर हार्ट के पास जाएगी, और वहां पर हार्ट फिर इसको लंग्स में भेजेगा, इसमें ऑक्सीजन डलवा देगा, फिर पूरे शरीर में इसका सप्लाई होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन फेफड़ों में होता है। कैसे, क्योंकि फेफड़ों में ही जो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन मिलाई जा रही है, तो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन फेफड़ों में भी होता है। लेकिन हार्ट में कभी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होती है, हार्ट तो केवल एक पंपिंग यूनिट है, एक पंप है केवल, और कोई काम उसका नहीं है। उसके बाद किडनी को भी अगर हम लोग देखें तो किडनी भी एक प्यूरिफिकेशन यूनिट है, क्योंकि किडनी में CO2 तो फेफड़े दूर कर रहे हैं, बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, जो एक्सेस अमाउंट में जो लवण है, जो क्रिएटिनिन है, आगे चल के देखेंगे क्रिएटिनिन है, सल्फेट है, फॉस्फेट्स है, वो सब किडनी के द्वारा ही यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। एक पॉइंट और यहाँ पर नोट करने वाला है, हमारी किडनी को सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई मिलती है, दोबारा बोलता हूँ, हमारी किडनी को, हमारी वृक्क को सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई मिलती है,
और अगर किडनी काम करना बंद कर दे, फिल्टर करना बंद कर दे, तो ब्लड में इन्हीं अपशिष्ट पदार्थों का लेवल बढ़ जाएगा और हमारी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड में जब लेवल बढ़ जाएगा वेस्ट मटेरियल का, तो वो बीमारियां फैलाएंगे, बीमारियां फैलाएंगे तो हमारी जो बॉडी है वो सही तरह से रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। ठीक, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर किडनी, किडनी के बाद ये नेफ्रॉन को बड़े ही अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है, और कुछ छोटे छोटे पॉइंट जैसे किडनी के ऊपर ये आप लोग उठा हुआ सा हिस्सा देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। क्या है ये भाई? किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाया जा रहा है, ग्रंथि पाई जा रही है। अगर आप लोगों को याद हो तो ग्रंथि को मैंने बताया है आपको कि कोशिकाओं का वो समूह जिससे कोई लिक्विड निकलता है। अब इस लिक्विड में या तो एंजाइम हो सकते हैं या हार्मोन हो सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और जिस ग्रंथि से हार्मोन निकलते हैं उसको अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जो यूरिन फॉर्म हुआ है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे यहाँ पर पूछी नहीं जाती है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनने वाला नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले हैं उसको वीडियो पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स नया टॉपिक है इसी में, मतलब अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है मनुष्य में उत्सर्जी अंग। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को डिस्कस कर रहा था कि मनुष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है जिसमें वृक्क है, किडनी सिस्टम पाया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी ऑर्गन हैं जो उत्सर्जन की भूमिका में अपना योगदान देते हैं। जैसे फेफड़ों का मैंने बताया ही था आप लोगों को, तो कौन कौन से अंग हैं जो सहायता करते हैं वो एक बार मैं यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले किडनी, वृक्क है ही, हम लोगों ने पढ़ा है। फेफड़े, किडनी से मेनली क्या निकलता है, जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बनिक उत्सर्जी पदार्थ, ऑर्गेनिक वेस्ट। त्वचा से, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बताता हूँ, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। द लार्जेस्ट ऑर्गन फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज स्किन, त्वचा सबसे बड़ा अंग है। और आप लोग जानते हैं त्वचा में पाए जाते हैं स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इस पसीने में क्या क्या निकलता है, पसीने में वाटर, पसीने में लवण, जैसे सोडियम है, क्लोराइड है, तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग की तरह काम करती है। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट लिवर, लिवर भी उत्सर्जन की भूमिका में काम करता है। कैसे काम करता है, अब इसको समझिए। देखिए हमारे, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे ब्लड में पाई जाती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। अब जब आरबीसी की डेथ हो गई, 120 दिन बाद आरबीसी की हो गई डेथ, तो इसका मतलब ये हीमोग्लोबिन क्या हो गया, ये भी बेकार हो गया, इसका डिग्रेडेशन होगा। तो हीमोग्लोबिन का जब डिग्रेडेशन होता है तो इससे बनते हैं बाइल जूस। वो बाइल जूस मैंने आपको बताया था, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और साथ में ही बनता है यूरोक्रोम, यूरोक्रोम। और ये पीले रंग का पिगमेंट है, कैसा, पीले रंग का पिगमेंट है जो हमारे यूरिन को पीला रंग देता है। हमारा यूरिन कैसा होता है, येलोइश होता है, पीलापन लिए होता है, तो वो किस वजह से है, वो यूरोक्रोम के कारण है। और एक पॉइंट, हमारी जो फीकल मटेरियल है, हमारा जो वेस्ट मटेरियल है, हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो पॉटी है, उसका कलर भी येलो है। उसका कारण क्या है कि जो हीमोग्लोबिन में जो डिग्रेडेशन हुआ है लिवर में, उससे बाइल जूस बने हैं, बाइल जूस में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उनकी वजह से पॉटी का कलर कैसा है, येलो है। यूरिन का येलो कलर किस वजह से है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ठीक, तो हमारे शरीर में, और एक पॉइंट बताता हूँ आपको, लिवर इज नोन एज द केमिकल फैक्ट्री। हमारे शरीर में लिवर को केमिकल फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे हॉर्मोन्स, बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे पॉइजनस मटेरियल को ये लेस पॉइजनस मटेरियल में बदल देता है। जैसे समझिए, अब हमारे, हम लोग डाइट में प्रोटीन्स लेते हैं, प्रोटीन बने हुए हैं अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड का जब पाचन होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, क्योंकि अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन है,
क्या निकलेगा? अमोनिया। अब अमोनिया को सीधे सीधे तो रक्त में मिलाया नहीं जा सकता है, क्यों? क्योंकि अमोनिया तो पॉइजनस है। तो अमोनिया को लेस पॉइजनस पदार्थ में बदला जाता है, वो लेस पॉइजनस पदार्थ होता है यूरिया। और ये काम कहाँ हो रहा है? वो यकृत के अंदर हो रहा है, वो लिवर के अंदर हो रहा है। इसका मतलब, अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लिवर में होता है। यूरिया का उत्सर्जन कहाँ से होता है? यूरिया का उत्सर्जन किडनी से होता है। दोनों में अंतर है, यूरिया का निर्माण लिवर में, यूरिया का उत्सर्जन किडनी में। ठीक, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, यूरिया का निर्माण होता कैसे है कि जो अमोनिया है वो CO2 के साथ जुड़ती है और यूरिया का निर्माण करती है, और इस चक्र का नाम है ऑर्निथिन साइकिल, ऑर्निथिन साइकिल। तो लिवर में यूरिया का निर्माण होता है किस चक्र के थ्रू? ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू होता है। तो हमारा जो यूरिन है उसमें वेस्ट मटेरियल यूरिया का निर्माण कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है। सीक्रेशन कहाँ से, सॉरी, उसका उत्सर्जन कहाँ से होता है? किडनी से होता है। तो अब जो हमारा यहाँ पर जो फाइनली यूरिन निकल कर आएगा, वो यूरिन जो निकल कर आएगा उसमें येलोइश कलर है, उसका पीला कलर है, किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण है, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण है। इसमें जो यूरिन है उसमें मोस्टली पार्ट जो है वो वाटर है, यूरिया है, मिनरल्स हैं, फिर क्रिएटिनिन है। अब क्रिएटिनिन क्या है? हमारी मांसपेशियों में क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है जो ऊर्जा प्रदान करता है, और क्रिएटिन जब ऊर्जा प्रदान कर देता है तो वो टूट जाता है क्रिएटिनिन, और इस क्रिएटिनिन का फिर एक्सक्रीशन हो जाता है यूरिन के थ्रू। सल्फेटाइन, फॉस्फेटाइन, ये सब हमारे यूरिन में मौजूद होते हैं। और हमारी यूरिन की जो पीएच है वो अम्लीय पीएच है, वो लगभग 4.5 से लेकर 6 तक के बीच में पाई जाती है। तो ये जो कुछ तथ्यात्मक पॉइंट मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको भी लिखने की आवश्यकता है। हमारे यूरिन में यूरिया है, ग्लूकोज है, सल्फेट है, फॉस्फेट्स हैं, क्रिएटिनिन है, और भी जो एक्स्ट्रा एक्सिस में मिनरल्स हैं वो सब पाए जाते हैं। यूरिन की पीएच 4.5 से 6 के बीच में होती है, मतलब एसिडिक होती है। कैसी? अम्लीय होती है। 7 से कम है तो इसका मतलब अम्लीय है। और एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 1.5 लीटर यूरिन का उत्सर्जन करता है। तो ये था मानव में उत्सर्जन। मैंने बहुत कोशिश करी है कि सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कलेक्ट कर लूँ। इन केस अगर कोई पॉइंट मिस होता है यहाँ से तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये पॉइंट मिस है, आप इसको इसमें ऐड करिए और दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करिए, या मैं नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें उस चीज़ को ऐड कर दूंगा। ठीक, अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट और मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसे मानव में, जीवों में उत्सर्जन प्रक्रिया होती है, वैसे ही पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन प्रक्रिया होती है। अब पेड़ पौधों में उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे होगी? वहाँ पे तो कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पाई जाती, वहाँ पे तो किडनी नहीं पाई जाती है। तो पेड़ पौधे अपनी उत्सर्जन प्रक्रिया कैसे करते हैं? पेड़ पौधे अपनी उत्सर्जन क्रिया पत्तियों के माध्यम से, अपनी जो छाल होती है उसके माध्यम से अपने वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं। पेड़ पौधों में दो मुख्य क्रियाएँ पाई जाती हैं, श्वसन प्रक्रिया और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। मैं पहले बात करता हूँ प्रकाश संश्लेषण पर। आप लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण की CO2 को लेकर क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको भोजन में बदल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफिल, सनलाइट और बन गया भोजन, और इसके साथ में वेस्ट मटेरियल निकलता है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन और जलवाष्प, वाटर भी है। अगर मैं श्वसन प्रक्रिया की बात करूं, तो श्वसन प्रक्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में उनका उत्सर्जी पदार्थ क्या है? CO2 है। फोटोसिंथेसिस में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ऑक्सीजन है। तो अलग अलग प्रक्रियाओं में अलग अलग चीज़ देखी जाती है। ठीक, अब कुछ और भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे कुछ पौधे होते हैं जिनसे गम निकलता है, गोंद निकलता है, वो उनका एक उत्सर्जी पदार्थ है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनसे, और रेजिन, कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसका एक्सक्रीटरी पदार्थ है। ठीक,
तो ये था हमारा चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, हमारी किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जा रही है जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि। इस अधिवृक्क ग्रंथि, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे दो प्रकार के हॉर्मोन्स निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इन हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब अंतःस्रावी ग्रंथियां वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट ग्रंथि है जो हमारे इस यूरिनरी सिस्टम से, उत्सर्जी तंत्र से संबंधित है, उसको समझिए। हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि है पीयूस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन, या इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब इस पीयूस ग्रंथि से एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तो ये हार्मोन वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, वाटर के पुनर्अवशोषण को बढ़ा देता है। अब ये पुनर्अवशोषण क्या है उसको समझिए। मैंने आपको बताया था कि ब्लड को छानने की प्रक्रिया जब नेफ्रॉन में होती है तो जो वाटर है, ग्लूकोज है, मिनरल है, उनको छान लिया जाता है, ठीक है। और जब ये ब्लड आगे बढ़ता है और एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज हो गया है तो ये वाटर जो छन के यहाँ आ गया है उसको दोबारा से ब्लड में मिला दिया जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यूरिन बन रहा है यहाँ पर, हमारा जो यूरिन यहाँ पर बन रहा है उसमें जल की मात्रा कम होगी क्योंकि जल को दोबारा से ब्लड में मिला दिया गया है। और जब यूरिन में जल की मात्रा कम होगी तो वो कंसंट्रेट हो जाएगा। इसको समझिए बड़ी सिंपल भाषा में, वैसोप्रेसिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो जो रीएब्जॉर्प्शन, पुनर्अवशोषण है जल का, वो बढ़ जाएगा। मतलब यूरिन में हमारे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है तो फिल्ट्रेशन होने से पानी बाहर रह गया, मतलब यूरिन बनने की प्रक्रिया में। लेकिन वैसोप्रेशन हार्मोन ने क्या किया, उस वाटर को दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब करा दिया। तो हमारे यूरिन के पास कम वॉल्यूम, कम पानी रह गया, तो यूरिन कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। यूरिन का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ब्लड में जो वाटर है उसका लेवल बढ़ गया, मतलब वाटर रिटेंशन हो गया। उस व्यक्ति का बॉडी वेट बढ़ जाएगा क्योंकि उसके ब्लड में वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है ये हमारी बॉडी में यूरिन के लेवल को कम कर देता है। अगर वैसोप्रेसिन कम रिलीज होगा तो यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को क्लियर किए हैं। अगर कोई आप लोगों का सजेशन है, कोई आप लोगों का सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।